जब ज्ञान रूपी तलवार से माया रूपी भूसा के छिलका छोड़ा देवे, जब तक ए माया में कमी के भाव छे, जब तक धान में भूसा रहते ते हर बेर जन्मा पड़ते उकरा, आ जखनी धान में से भूसा छोड़ा देवे, जब चावल भ जेते तब कटो हाथ में ओकरा देवे उन्हें जन्मते के अंकुरन शक्ति जन्म मरण जन्म के जे क्षमता से सिर मिल जाए। तब एक शिष्य एक चेला एक पर शंका कर गए, सरकार जन्म से चीते जाए संसार में जन्म से जब जीव जरे थे तब दूसरी स्त्री बंद भ जाते। गुरु महाराज जी जान जे हिनका ज्ञान का भाव छे, वना कतो कतो देखल गेले है जे गुरु गुरु आ चेला चिन्नी भ जाए छे, चेलो चल जाए छे गुरु महाराज से। जना एक बेर सागर पर किनार पर साक्षात महात्मा बुद्ध भगवान अपना संग बहुत शिष्य के लोग शिष्य माने चेला के लोग जाए छथिन। एक सागर के किनार पर गेले तो मछुआ माछ मारे वाला जाल फेंके छे, गुरु महाराज सोचलखिन जे आयु बने हिनका ज्ञान देवी कहलखिन जे बुआ ऐ सागर में कते प्रकार के मछली छे अपने के जानकारी है। शिष्य के पूछे छन गुरु महाराज जे ऐ नदी में कते प्रकार के मछली छे से अपने के जानकारी है, तो केओ कहलखिन जते जाने छले दस टा बीस टा के नाम कहलखिन, केओ सबसे बेसी कहलखिन, केओ कहे में ऐसे कम में हेते, इत्यादि किस्म से सब अपन अपन तर्क के पेश कलखिन गुरु महाराज के नजदीक में। मुदा गुरु महाराज के लिए सवाल छले, गुरु महाराज के जो प्रश्न छले ओकर जवाब नहीं अले। गुरु महाराज हंसल कलखिन कहे जे हम अहा सबसे से नहीं पूछलों, ऐ संसार में जना हम हर दिन कथा में कह दिलों है जे भगवान के भी अवतार लेके सिस्टम छे, भगवान छह गो सिस्टम से मात्र आज तक जते भी अवतार भेले है 24 अवतार तक के अखन वर्णन छे श्रीमद् भागवत महापुराण में। मुदा आनोठिन आनोठिन जे छे से सिस्टम से भगवान अवतार ले छे, परिपूर्णतम अवतार पूर्णतम अवतार अंशा अवतार अंशा अंश अवतार कला अवतार और आवेशा अवतार, इन छह गो सिस्टम से जते भी अवतार हेते भगवान के तो छवे गो सिस्टम से अवतार हेते। कहीं अंतर्गत गुरु महाराज पूछा गेंगे क्या गो सिस्टम के माछ से मछली से सागर में, आज शिष्य सब के कहीं भाई बुझे ले जाओ मछली के सिस्टम के नाम बतबो सके सरकार। कहलखिन जे अइमे गुरु महाराज कहे छन जे अइमे तीन गो सिस्टम के मछली छे, जीव पर आधारित के के यही अपना सब के सिस्टम पर घटल के ये विद्वान जे एकटा मछली अइ सिस्टम में छे जे ओ अपन आहार के वास्ते अपन भोजन के वास्ते काते कात घूमत रहे छे, अपन बहुत जल से नजदीक में आबि गेले, मछुआ जाल फेंकलक आ ओ जे नजदीक में आयल छे ओकरा जाल में पकड़ ले छे। कहलखिन जी सरकार कहलखिन दोसर प्रकार के कहलखिन आब हमरा बचक कोनो उपाय नहीं है, तथापि प्रयास करे छे अपनो सब के श्रीमद् भागवत में जे बैठल छे जते सत्संग जते धर्म काम भ रहल छे तो अपना सब के माया रूपी जाल से भागे के वास्ते प्रयत्न कर रहल छे, कहुना हे भगवान हमरा ए माया रूपी जाल से स्वच्छंद छुटकारा दिया। गुरु महाराज के छथिन शिष्य ता जे एक गो मछली जखनी जाल में उपल जाए छे तकर बाद कोशिश करे लगे छे, तो कतौ कतौ देखल गेलै है जे मछली जालो के फाइ बके आ पानी में भाग जाए छे, कतौ एहनो देखल गेलै जे ऊपर में जखनी मछुआ जाल से निकाले छे माछ के मछली के कि तखनी ओ कूद के भाग जाए छे।
तो जान जीव प्रयास करते माया रूपी जाल से निकले के वास्ते जब आहा प्रयास करबे तकर बाद आहा निकलियो सके छी। ते सर कालकिन में जो तेसर मछली उच्च जे आहार के वास्ते जना साधु संत के लिए हम तेसर दिन कथा में कहने रही जे साधु में भी जखन भगवान कृष्ण साधु के प्रशंसा के लिए तो साधु में भी अंतराल बतलखिन मैया रुक्मिणी जे साधुओं में गड़बड़ छे साधु बन करके भी आदमी उचित कर्म नहीं कर रहा है। भगवान कहलखिन है जे रुक्मिणी आके साधु के संबंध में जानकारी नहीं है। नाम बैराग दस विप्रेम ज्ञान बैराग मन देही भक्ति बैराग सताए मच त्याग बैराग मन दुर्लभ हम या कह रहा छथिन महात्मा अपना शिष्य से जे मछलिये जे छे से जे बुझ गेले जाओ हमरा एहि जोनी में ई जोनी के समाप्त करे पड़ते तो वो अपन आहार के वास्ते अपन स्थान नहीं छोड़े छे। जखनिये जाल पड़ले जाल के आवाज जखनिये एले तखनिये वो स्थान छोड़ दे छे। बाजू प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जा पायन में जब जाल के आवाज छप से पड़े छे कि मछली अपन स्थान छोड़ दे छे तो जाल ओकरा पर पड़िए न सके छे। ई तीन प्रकार के तीन तरह के मछली के संबंध में बतलखिन है। एक गो शिष्य जे छे ना गुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त के लिए दिन कल की सरकार अपने के एक मछली के संबंध में कहले न के लिए जना त्याग बैराग मन दुर्लभ हम जे मछली जैठाम तक जाल पर थे तैठाम तक एवे न करे छे। जे अनंत जोगी छे जे कहियो माया के चक्कर में माया के संबंध में जना अपना सबके संत कुमार इन चारों बार खिले विषय पहले बुझ गए जब हमारा सबके मानव सृष्टि के वास्ते जन ब्रह्मा जी उत्पत्ति करके तो हम सब मानव सृष्टि में जेबे नहीं कर रहे शनक समाधान शनंत और सौमक जी चारों का पांचे वर्ष का अवस्था के वरदान मान गए थे। जब तक हमें धरा पर रही तो हमारा मात्र आयु पांच वर्ष के हुए वही संबंध में कल की माया छुबे नहीं करते तेनों किसी के भक्त संसार में से क्या कल की मैं जब जौन लगी भूसा धान में अरे जौन लगी भूसा धान में बार बार जम जाए और जो भूसा छूट जाएगा तो जम ही ना पाए। तारी भूसा का तो छूटते सरकार अपना सबके जे जन्म मरण के चक्कर से बचो के वास्ते भूसा छूटे के लिए सत्संग के माध्यम से मानस में गोस्वामी जी लिखा के सत्संग साधारण चीज नहीं छे। अहाँ चाहिए के सत्संग में नहीं जा सको एहन समस्या आ जाए एहन काल भ जात जे मन में आए हम सत्संग में जेबे हम श्रीमद भागवत कथा श्रवण करे के वास्ते जाए मुदा एहन जरूरी फिर जात अहाँ नहीं आ सको। अतिशय कृपा जाहि पर होई पांव धरई एही मार्ग सोई। भगवान के जब बहुत कृपा है से असीम कृपा भ जाए छे तो ऐ सत्संग आवे छे। मानस में गोस्वामी जी लिखल छे ना जे सत्संग साधारण चीज नहीं छे। एक बेर कलिको काल में यहाँ सत्संग में बैठ गए लिए तो अहाँ के बेरा पार भ जाए। जना हम कथा में कहे चलो है जे भगवान के नाम जब अंतिम समय में मुखार बिंद से निकल जाए थे तो वही जीव के बुझने छुटकारा तो अंतिम समय के निकले के वास्ते बार बार संत महान सब जो हरदम दिन रात माला के जपन करते रहे थे वो आदत बन गई थे। जखन ये आदत बन जाए थे जब आदत बन जाए अहाँ के कोनो भी वस्तु के कोनो भी कर्म के कोनो भी चीज के जहाँ आदत बन जाए तो ओकरा छोड़े ले बड़ा मुश्किल भ जाए थे। लिखा क्यों जे जनम जनम मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। तैयो अंततो गत्वा भगवान के नाम उनका मुख में नहीं आवे छन तो कहबे जे अब जब भगवान के नाम मुख में नहीं आवे तो इतने दिन जे भगवान के नाम जपन के लिए सब निष्फल हो जाए छथिन।
नहीं नहीं जना नहीं छे अपना सब के कथा गज और ग्रह के बहुत कथा दिन चुकल से पांचम दिन की कथा छे महात्मा शुक्रदेव जी महाराज के शिक्षा सुंदर छन शुक्रवाचन जिदा देवर्षि गंधर्व ब्रह्मे स्नान पुरोगमा अमोचु कुसुमा शरम संसंत कर्मत गुरे नैर गंधु बल दिव्य गंधर्व नोर गुंजर्व अरिशेषा आचरण चरित्र आतत्र महाशयामने अश्वागति सेवने परिश्रमित अतम दिच्छा पुष्मन गीता हरना दिगम रहस्य पाशन अनुति सत्य कुरुकम तस्माय मम सापम आदाद साधुरम अधूर आत्मा कितर बुद्धि रस विप्राण मंत्र विश्वता तमोंदे भाग रस की सही भाग अब देखो राजा इंद्र धूमन नाम के पहने अखुन का राजा है अखिल अपना सरकार राजा के सिस्टम के सृष्टि से हटल रहे थे पृथ्वी पर से पहने राजा तब देव पहने राजा के महत्व तो चले न पूर्व जन्म के राजा पहने साधु के रूप में अब सृष्टि के अपन जनता के अपन प्रजापाल के राजा चल के प्रजा के वास्ते महात्मा जी का तपस्या कर रहा थी इंद्र धूम राजा शिखर पर बैठ करके तपस्या करे छे बड़का बड़का जटा भरे छे उनका कह जान ये सो एक तारा भगवान आत्मा पर ले करो पते सो हम जटा रास्ता पसंद एकदम तपस्वी के देश में बड़का बड़का जटा भरे छे इंद्र धूम राजा के ई बात देख जब जखनी लड़की ना ऋषि आके उनका बड़ा तामस ले गए बड़के देखो तुम राजा होकर के इस तरह संत महात्मा के तरह इतना इतना जटा बढ़ा करके और तुम राज पाठ छोड़ करके इस माल्या मत पर्वत पर आकर के तपस्या करने लगा है तो संत लोग क्या करेगा बड़ा क्रोध मारकर उनका श्राप दे दे फिर भी तुम हाथी हो जा महात्मा तुम अपना अधिकार छोड़ करके दूसरे को अधिकार खोने के लिए चल गया राजा का कर्तव्य तपस्या करने का नहीं है तपस्या करना था तो किसी ऋषि के समीप में जाकर के करता उनसे सलाह लेकर उनसे आदेश लेकर के करता हम तुमको तो नहीं छोड़ने वाले हैं अभी मैं तो मयुक्त हाँ गंधर्व से लगे के नियम होना करना भी कर लो संभाव नगर दास नाला का एक महाराज तो एक मैं कृष्णा भगवान गजराज मोहन गजराज मोक्षन महान अतः दमिन देश के राजा चले ना इंद्रदुम और जब अगस्त ऋषि का श्राप था हाथी बन गए और जंगल में जाकर वो तमाम हस्ती के अपन बहुत दिन तक हजारों वर्ष तक जैसे से बहुत बड़का परिवार बने थी ना जंगल में और बहुत विशाल आती साथ साथ राजा जो हस्ती के रूप में चल गए ना बहुत बड़का परिवार बने थी ना अब नाती पोता पुत्र पुत्री परिवार से एकदम भरो जाए जय जंगल में उनका हो जाए आहार करके बसते उस जंगल में जे जाए खातिर श्री भगवान हो जाए जे जे मां काम च सरस्वतम अभिकं दरकाननम वेत्र कीज वेक मेनु नाम गुलमानी सुर पाद पान अश्रिंगाने माने दुनिया ने ब्रह्मनाम से शिरो दम में बीच ब्रह्म प्रियम धाम स्वेत निपम च भास्वत अश्रिर बत्सम कौस्तुभम मालाम गदा कौमोदम ई मम्मा
सुदर्शनम पांच जन्म सुपर मन प्रवेश कसोरा अशेषम जन्म ग्राम सुख शर्मा श्रीम देवी मद्र शर्मा। आओ देखो अपना सबके वास्तव में जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंत राम कही आवत नाही। प्रत्येक जन्म में जब भगवान के नाम जपन करे छे आ अंतिम काल में भगवान के नाम मुख मने आवे छे तो बेरा पार सब बच जाए छे मात्र बेरा पार हुनका नहीं होय छे। आ इनकर जे नाम जप के महिमा छे से इनका आदत लगले रहे छे। और इंद्र दुम्न राजा और आदि देखियो शंका करे छे जे वास्तव में जना विद्यार्थी 32 मार्क के क्वेश्चन हल करे के छे और 30 मार्क में फेल भ गेले तेकर मतलब वो आदत जे बने 30 मार्क के प्रश्न जे हल करे के से नहीं मिश्र तैना। अब हाथी सब परिवार के साथ एक दिन एक जलाशय में चल गए। एक दिन जलाशय में हु नाम के गंधर्व ग्राह के रूप से स्थापित करने और बहुत बड़ा गंभीर विषय लिखने से श्रीमद् भागवत कथा में अखिलो हम सब जे अवस्थे तमाम परिवार के साथ हुए ना उनका पोषण पोलन पोषण पालन कर के वास्ते जलाशय में पहुंच गए जान आ एमा से ग्रह उनका पकड़ लेलखी। और हाथी कमजोर में चलाना ग्रह के लड़के आ ऊपर में चल जाए छान आ जहाँ ऊपर में जाए छान तो ग्रह के शक्ति कम भ जाए छान उमर से वो घीच के पुनः पान में लग जाए छान जलाशय में 10,000 वर्ष तक अर तरह गज और ग्रह के लड़ाई चल रही कतबो कोशिश करे छान ग्रह से छूट के भाग जाए तो हाथी के नहीं बस चले छान तहना अपना सब की ग्रह रूपी माया हर आदमी के इन जीव रूपी आत्मा रूपी हस्ती के इन माया रूपी ग्रह पकड़ लेने छे प्रयास कला के बाद में भी हम नहीं निकल सके छे। महात्मा कबीर कर कि नहीं या इस शरीर के जलाशय मान के आय में जे आत्मा छे वह छे हस्ती या जतिक मोह माया छे अपना सब के वह ग्रह रूपी माया बन करके आय हस्त रूपी आत्मा के पकड़ लेने से अहां के चाहिए के अहां के जानियो के सब कर्म सब बुद्धि ने कर दे प्रेम सदा जो वृंदावन बिहार लाल की। और आय तरह जन हस्ते और ग्रह के भारी युद्ध भ गेलै ना 10,000 वर्ष तक तमाम इनकर जे बाल बच्चा में निकालो भूत बने घर खई है जादे मन पर सी उड़ गई है जदे आप कतर बात कतर इन मर गले पर जल्दी से घर खाली करो ना तो दूसरे धीरा पुता के घर पर हो जाए तमाम उनका को माया माता पिता आत्मा उनका घूमत रहे से मुदा उनका पुता उनका पुत्र के उनका पुत्री उनका परिवार के एक और चेतना नहीं देते थे कम से कम हम आत्मा के शरीर जब हम निकलिए कभी तो हमारे शरीरों के तो कुछ दिन 2 घंटा रहा दियो मुदा जल्द लिया मुर्दा को जल्द निकालो भूत बने कोई कहीं है जादे मन पंछी हो जाए हैं वह दस आ हाथी के मन में हो जाए जारे मार लो एक जब निकल गए तो हमारा जिंदे में सब को आज छोड़ कर गया एक तो ग्राह ने इनका तकलीफ देने से इनसे दुख सेवे करा दोसर बीरा के वेदना इनका पास में बीरा हर गले में पारिवारिक भी है जिसे हम वास्तव में आईना श्रीमद भागवत में महात्मा सुखदेव जी का जी ने परीक्षित के हे परीक्षित अहा धन्य छी जे अहा अपना 7 दिन पहले सब चीज के छोड़ देने छी आइए अपना सब के कथा के सुनने छी महात्मा सुखदेव द्वारा जो महात्मा परीक्षित सुनना चाहे तुम्हारे जो जीते में ठीक समय पर सब चीज के छोड़ करके पत्नी के छोड़ करके पुत्र के छोड़ करके राजपाट के छोड़ करके और परलोक सिधारे के वास्ते पुनर्जन्म सिधारे के वास्ते श्रीमद् भागवत कथा में एकदम आत्मा सब प्रवेश कर गए। जब बहुत दिन भ गए
जब इनका परिवार सब छोड़कर चल गए कि ना तब इनका याद आ गया भगवान के और प्रश्न करके क्वेश्चन करके ना जे हाथी के ना बुझ गए जे भगवान से हाथी के ना बुझ गए जे भगवान हो छे तो उनका जवाब में से या जे ऊ राजा जे इंद्र भगवान भगवान के मदद करे छे तो जे ही जोनी जन्म हो आगे जोनी में गेले तो ओकरा यादाश्त नहीं गेले है जेहन दिमाग पर रख के अहाँ आत्मा छूटत इस शरीर से प्राण निकलत उ बात हरदम दिमाग पर रहे छे क्या भगवान के भजन करे छे दिमाग तखनिए जे श्राप दे देलखिन ने महात्मा अगस्त जी क्या इनका ध्यान रहबे करे जे भगवान होय छे आ अंतिम घड़ी में जब भगवान के भजन करी तो भगवान के भजन से जीव के उद्धार भ जाय छे आ अपना सब के भगवान छे के है तो बस कभी के देही भगवान पर ध्यान देके बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना अकर बिनु करम कराई बिनु नाना आ खाली मन में मात्र कल्पना कर ले तो भगवान सुन जाए छे आखिर भगवान हाथी के पुकार सुन गए में हाथी के मन में भगवान पर ध्यान देना आ कि भगवान विचलित हुआ लगले भगवान के मन चंचल हुआ लगले राधा मैया आ भगवान समय बैसल थकिन जखन भगवान के कुछ छटपटाहट हुआ लगली है तो राधा मैया पूछे छथिन अपने के मन आय नहीं लगे पोसा खेल छथिन ताकि मैंने हमारा एक भक्त बुझा छे जो बड़ी संकट में छे भगवान के पुकारे छन जखन भगवान के पुकार पुकार लगे छन आ हाथ ऊपर माथे उठा लगे सूर के ऊपर माथे उठा लगे मेरे सरकार अब हमारा क्यों रक्षा करे वाला नहीं है से अपने कम से कम हमारा अरे अवस्था में रक्षा करो रक्षा करो त्राय मां त्राय मां अरे तरह जन आवाज दिलकी ने आखि भगवान सुन गए जा भगवान तैयारी हो जाए तो तब तक मैं इनका एक कमल के फूल भेट गए डूबते को तिनका सहारा सोचे छन जब इन कमल के फूल के सहारा जब हम निकल जाइए तैयो कमल के फूल पकड़ लड़की ना और जोर लगे छन भगवान सोचे छन जो अखन जब हम इनका मदद कर देवे तो इनका मन में भ जेते जे ई धन कमल के फूल जो हम ऐ सागर से निकल गए भगवान के देह राख देलके कहियो कहियो भगवान की करे छे तो अहम के भोजन करे छे एक बेर नारद जी कनिके काल अपना सर के मानस पर एक बेर नारद जी आज तक संसार में कामदेव पर विजय क्यों न करने थे कामदेव सब के दोष में कर लेने थे आ नारद जी भगवान के तपस्या में लीन छन और इंद्र के जखने की तपस्या करो लगे छन तो इंद्र जो हो चले मात्र इंद्रासन प्राप्त करो के वास्ते तपस्या करे छे की है नहीं कहे छे अपना सब के जकरा बाप के कवच धर ले छे अपना सब के देहाती उखान छे तो ओकरा बेटा के कठोर के डर हो लगे छे बाप के जो कवच धर ले के तो कठोर आकार के कवच है छे तो एकरा कठोते के डर हो लागे छे तो जइया कहियो भी देवता पर दानव तपस्या करके विजय प्राप्त केलखिन चाहे जे केओ भी भेलै है एकदम तपस्या नारद जी के बात चित्त में नहीं बोल रहे हैं तो समझावे छन भगवान शंकर अनेक अनेक उदाहरण दे छन हे जखन अहम के भावना अहम जब शब्द के लावे में छन कहलखिन है जो अपन प्रशंसा अपना से नमहर पैघ लोग के आधार में नहीं करना चाहिए एकरे अहम कहे छे मुदा कहलखिन जे संबोधिन न उपदेश बहु अरे संबोधिन न उपदेश हिता नहीं नारद ही सुहान मुदा नारद जी के बढ़िया में लगले एको रती सुंदर भगवान शंकर के बात नहीं हुए देखो
कभी कहते हैं जे भरबार निकाल चुन जे कौतुक माना खेल है जे जा आगा में की खेल भरो भैया से अपने सब देखियो जे भरबार जे कौतुक सुनो हरी इच्छा बलवान क्या क्या जन अपने सब कथा में श्रवण के न रहिए जे भगवान शंकर मुझे संबंध में कहते ना हेलो कोई ही सोई जो राम रचि रखा वास्तव में भगवान जे चाहते वह हेते आए यह बात शंकर भगवान पुनः नारद जी के संबंध में जखन हजारों पटक समझा के आए गए हिनकर मुखमंडल सो एको बेर आवाज नहीं आवे छे हिनकर मुखमंडल जहां बस श्री निवास श्रुति नाथ श्री राम जय भगवान शंकर के बात में मानव जी ने तो ब्रह्मा जी के भी समझाओ कहा जी ने ब्रह्मा जी का समझ के अब इनका मन में छे जो इन दोनों बटे अब मान में नहीं चलते कैसा है नारद जी जो अपने योगी छे परिवार अहाँ की जाने के लिए कोनो भी चीज के विजय हासिल करने में की कठिनता है छे आप एक और जी प्रसन्न खुश नहीं देख रहा छे उल्टे नारद जी भगवान शंकर के कहके निकल गए ना ब्रह्मो जी के वह बात कह और क्षीर सिंधु में भगवान श्री हरि के पास में एकदम करतल कर मन हाथ हाथ में बीना लेने और भगवान के गुरु में बात कर पहुंचे थे अपना सबके भगवान के से एक बेर नैमी काल में क्षेत्र में तमाम सब देवता के अपन अपन इष्ट देव के पूजा करो के वास्ते व्यवस्था बलंदा हर पूजा में सबसे उत्तम चक्र चक्र माना जा तो क्या कहे छा जब ब्रह्मा जी के उपासक चले ना तो कहे छे जब ब्रह्मा जी के पूजा अग्र पूजा होना चाहिए के कहे छा जब भगवान विष्णु के पूजा अग्र पूजा होना चाहिए आ शिव चर्चा वाला अखंड चला अखंड शिव चर्चा में बोलते बोलते रह जा तो शिव चर्चा के जो चल भगवान शंकर के भक्त से कहे छा जब अग्र पूजा भगवान शंकर के हो के चाहिए अब पूजा काल में इन तीनों बच्चे के बीच में आए जग के सभापति के होते आए जग के सभापति तो के कर दिन आए बात में बड़ा निमान भर ले अब सारा सामग्री तैयारी से सब चीज वेद मंत्र कर के वास्ते साधु पंडित तैयार था मुदा आए सभा के सभापति पर में जान झेल भर ले है जना आदमी अपना सब के संविधान सभा में भर रहे थे आए ने झेल भर ले पासे में है से राष्ट्रीय सभापति भगवान विष्णु के प्रतिमा रखल जाए या ब्रह्मा जी के या भगवान शंकर के सब अपना अपना विवाद कर देखे ना तो इनमें भृगु महात्मा भृगु नाम के ऋषि चलाना सब जो उनका पर विश्वास करते ना ये ईद जकर जिनका नाम के होता था आखिर तो अंतिम में दावा पर तो नीचे मुद्रा पर करके ना जो भृगु महाराज जिनका नाम के देते सब के उनका मान लिया बोली बात है राजे और जखने भृगु जी महाराज पर शोक दर्जी ना तो भृगु जी जखे लिए कोनो भी पंचायती जब तब तक दोसर में जनरल में है तब तक बंद मार गए एना होना चाहिए एना होना चाहिए बढ़िया में बोले ये गड़बड़ कर दल के और जब आहा के ऊपर में शोक दिया जब अपना पंचायती करे पड़ते तब बड़ा गंभीर अवस्था से विचार कर पड़े थे आप देखने भृगु जी महाराज पर शोक देखी है जो अरे तीन गो देवता में त्रि देवा में इस सभापति के आसान किनका देव जा तो भृगु जी महाराज बड़ा गंभीर भाग से लक्ष्मी में जा रहे हैं आए इनका चरण दावा लगा कि इनका भी सरकार हमारा पति देव के माफ कर दिए पतिव्रता स्त्री के कर्तव्य से जो अपन से ज्यादा पति के संबंध में सोचना है मैया लक्ष्मी महात्मा ज्यादा कल जोड़ना चाहे कैसे जो सरकार हमारा पति से जो अपराध भेल है माना अपने के रहा जो इनका जानकारी में भेल है अपने के एक लात मारा पड़े अहाँ के अपन जानकारी दिए के वास्ते जो अपने के प्यार रूपी अस्त्र के प्रहार कर पड़े प्रयोग कर पड़े ते द्वारे सरकार ये हमारा सा अपराध भेल ई हमारा पति देव के माफ कर दियो केहन छथिन अपना सबके भगवान दयालु प्यार प्रकरण से महात्मा के महात्मा पिघल गए ना किनको जब लेत रहा सेवा करबे तो पत्थर भी घन जाए से आ हुनकर भगवान के नाम
समुदाय निर्देशन है प्यार के चिन्ह भगवान के जो छाती पर धारण कर लेकिन है तो उनका नाम समुदायी इतना नाम ठेक लेकिन है और बिल्कुल ये ले और भगवान विष्णु के इशारा से निकल कर क्या सभापति के नाम कर प्रतिमा कर रख देते सब के मानव के तेम जे भगवान विष्णु तेथ हम नारद जी पहुंचे थे गुरुराज हमारे और कहचन जा नारद जी जाते थे कि दोनों हाथ के भगवान बदले सिखे और नारद जी आज अपने के बड़ा प्रश्न मुद्दा देखे थी बहुत दिन पर हाथ गया के लिए है कब तक रही अपने दिन से कहते सरकार कतर और किंग हम जो थे श्री कामदेव के हम तपस्या में रही मुदा कामदेव हमारे तपस्या भंग कर के वास्ते गलान तो किस चावा में चल रहे भगवान आश्चर्यचकित हो चुका अहाँ कामदेव पर विजय कर लिए कहते हाँ सरकार कहते तो बाप रे बाप बड़ा करो के लिए आज तक कामदेव के क्यों न जीत सकल के ना काम काम चरित नारद सब भाके श्री राम जय जय राम काम चरित नारद सब भाके श्री राम जय जय राम यद्यपि प्रथम पर शिव राखे श्री राम जय अति प्रचंड रघुपति के माया श्री राम जय राम जय जय राम नमो अस को जगदाया श्री राम जय राम जय जय राम सुनो मुनि मोह होई मन ताके श्री राम जय ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके श्री राम जय जय राम ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा श्री राम जय जय राम तुम्हें मन भव करई की पीरा श्री राम जय जय राम कहो अत्यंत भगवान कि नारद में कतेक बड़ी बात न होते कभी काल कोनो महात्मा गोस्वामी जी जे नारद कहव सहित अभिमाना श्री राम जय जय राम कृपा तुम्हारी सकल भगवाना श्री राम जय जय राम करुणा निधि मन देख विचार श्री राम जय जय राम गुर अंकर गर्भ तरु भारी श्री राम जय जय राम बेद समय दरिहाउ उपारी श्री राम जय जय राम बेद समय दरिहाउ उपारी श्री राम हितकारी श्री राम जय जय राम राधे भगवान के राजी अथम शील निधि नाम के राजा आहुलकर कन्या विश्वमोहन ये विवाह वे सराजन हम नारद जी के देखा के हुनका के में पासन थे तुरंत तक दुई को सिपाही के खटा के संदाजा करके ने महात्मा के बजावा नारद जी के बजा के लग रही थी ना और भरद्वाज जी कैसे आगा की खेल भले से सुनो भगवान अपना भक्त के कौन तरह रक्षा कर रहे हैं और भगवान की अवतार धारण कर जमीन पृथ्वी पर अय पर अपना सब गए अय संबंध में कथा पर थी भगवान संयचन इनका नारद जी के बजा के वकलन और उसे निधि कन्या के हाथ देख रहे थे हाथ देख दी होते हाथ में लिखल उनका हस्तरेखा में अखन अपना सबके कोनो समस्या आवे छे तो हस्तरेखा के प्रयोग कर देखा ले छी महात्मा थे इनका से हस्तरेखा देखा ली हस्तरेखा जब देखबे छन तो हस्तरेखा में की देखे छे जे इनका से कि जे विवाह कर लेते
तो अगर अमर भगत के कहियो किनको से युद्ध में परास्त नहीं होते। महात्मा नारद जी उनका हाथ में देखे से हस्त रेखा में देखे से जे क्यों इनका से शादी कर लेते तो वो अगर अमर भ जेते इनका उल्टा भ गए अंग्रेज जी के छह रेखा एक हाथ से देखे तो न देखा एक हाथ से छ एक हाथ पर विवाद भ जाए तो तहना देखना चाहिए जिनका से इनका जिनका से विवाह होते वो अगर अमर अविनाशी से जे तिनका से विवाह होते उनका से नहीं देखल गई एक कथा से देख लेलके जे एकरा से जकरा विवाह होते से अगर अमर भ जेते तो नारद जी सोचे छे खरे भगवान विष्णु से हम अलग है आहारा बढ़िया सम्मान के चिन्ह बड़ प्रशंसा के बाद तो भगवान विष्णु से हम किए न सुंदरता होना लड़की से विवाह हम करे तो हम अगर अमर अविनाशी भगवान विष्णु जी का भजन काम दे तो हम जीवन में सीधे के गड़बड़ा गए बड़ी गड़बड़ हो गए इनका सोचे में और कामदेव के जीत लेने चाहिए कामदेव के जीत लेने चाहिए कामदेव का कंट्रोल कर लिए बोला शादी विवाह नहीं चाहिए माया नहीं चाहिए आठम बिछड़ा गए भूल गए महात्मा और कामदेव के पसंद कर गए मन भगवान के माया से भूल गए जगन भगवान के माया आपके पास में चलत तो आगे किस में चलत राम अतर्क अतर्क मुनि पानी भगवान के संबंध में कोनो तर्क अहां लगा सके छे अब कोनो तर्क सारा तर्क फेल भ रहल छन महात्मा नारद जी के और सोचे थे तुरंत गले ना कैसे भगवान का आवाहन करती तो भगवान प्रकट भ गए कहती नारद जी कहू भगवान से चाहते चले कहती सरकार कनि के काल के वास्ते जिंदगी भर के वास्ते जाओ हम जियब तावे के वास्ते नहीं कहे छ कनि के काल के वास्ते जाओ हमरा लड़की बात चुन लेते तावत तक के वास्ते मन में भगवान के खोज के नहीं कहते हमारा अपन सुंदरता दे दिए तो भगवान कहते अरे अरे मांगो इतने सिखा दी ने सरकार कल के काल के वास्ते हमारा दिए हरिशन मांगो सुंदरता ही आ लिखना छे अपना स्वर के धर्म शास्त्र में वेद में जखनी हाँ ककरो से कोनो चीज मांग लियो तो अहा के सारा श्रेय भेट गए जखनिए अहाँ ककरो से कोनो चीज मांग लियो तो मांगने से मान जाए अपना सब के धर्म शास्त्र में लिखने से मांगने से मान जाए कतक गले तो कभी कल पहल के चलो जखनी भगवान राम के जन्म हो छन विश्वामित्र महात्मा के राक्षस से बड़ा तबाह करे छे जब भगवान के जन्म भगवान तो हिनका मन में है छे तावत तक में लिख रखी मैं जब विश्वामित्र महामुनि जानी श्री राम जय विश्वामित्र महामुनि जानी श्री राम जय जय राम दस ही विपिन शुभ आश्रम जानी श्री राम जय जय और विश्वामित्र के शेर गौदे छथिन एक बेर की भेलै माने पर भगवान के अपना संग भगवान पर भरोस करबे तो भगवान आगे सारा समस्या के समाप्त कर दे। एक बेर एकटा महात्मा जा नदी में नहीं देखे छे कतो एकटा हनुमान जी के भेटा कर देलके ये और ओठाम भगवान के भजन करे छे आ वही दिन है वही नदी से करने की आवो में दोसर गांव में एक दाता राम नाम के सेठ रहे वो सब दिन दान दे चले ना आ जान ही महात्मा जा नदी में गले है ये भीख मांगे वाला सब दान ले वाला सब जो जाए चले तो बाबा जी कहते कहते चला रहा तो हम लात में है बहुते जे माया बहुते चीज देते चला लेकिन अगर हम वैसे किसी सेठ के यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं जाएंगे हमारा भगवान तो सब को देता है कहते भगवान हमारे जो भगवान से वो तो सब के दे छे हम ओकर भक्त छे हम लोग से किए मांगे जेबे भगवान हमरा आई काम न नै हेते तब न भेले हमर भगवान भगवान भक्त के वास्ते अपना कपा पर मोटा बांध के हुनका घर में दो आवे छे यदि आप सच्चा भक्ति करबे सच्चा मन से भगवान के भक्ति करबे तो भगवान अपना माथ पर अहां के मन में जे बात लागल से लाग गा अहां के घर में दो
जिनका महात्मा के विश्वास चलन किया जाते डाटा ऑन स्टेज के ठाम ब्राह्मण शैली पंडित सब के चल के मैं अभी चल में बस है काश में जोड़ा होगा जो आ भागल जी एक दिन भगवान के प्रेम में भले करके ये सवेरे सवेरे ही सारे ज्यादा महीना पहुंच जाए से सुबह में कुछ दिक्कत हुई है अपन मंत्री मंडल के काल के तार मुदा मना लिया जब तक लिस्ट से 1000 आदमी पहुंच जाए से लेते हैं आज सब के मुदा निकल का वह मैं एक संपत्ति दे दियो ये होल लाइफ पूरा जिंदगी भले सब के कठोर दुआ भले जा पड़े दो तक गिना आ एकदम खोपे का सर्टेट के सेट कर दम लेवे न करे से देने की छे आ सब के एक एक तरह तरमुंदा वे बिना देना जाए छे काल गिन है काल से मैं अभी आओ आप कल से मैं आ गया इस तरह कैसे सोचे से नहीं खोलते जगह नहीं है तारे नाम में तो होम लाइफ के जब तक खर्चा करते सर्दी से घर मकान दरवाज खेती बता हाथी बड़ा सब का मकान कर देते तब तक संपत्ति हो तर हो जाते भूतर मुझे अब इस तरह आधा घंटा के बाद रूप से भूल जा गए थे भूलता ही रहते दारू का जिक्र तो सिक्के में सर जी अब भगवान के प्रेरणा चैन एक गोटे गाजा पी में चले गलिया चले लड़की में ब्रह्मांड भगवान के जहाँ रह देखो ई कर्म के खेल से चारे आना में बेच लड़की ना अब भारी लगे से इनका जब तक सब ती धरिया के साग सब भारी चले है तब तक आसकारे भारी भरे उत्तर हो जाए इनका उसने कत्तो हम बेच दी वही दिन हाँ ये बाल पर दे झंडा डालने से महात्मा टकरा टकरा किस में चरवे के वास्ते से भगवान के चरवे के वास्ते किस में से आप ये सोचे छतिन मन मन जे हे भगवान आए हम कथी भोग लगे रे भगवान के तारे में से गुजर नहीं बोल रात रहते एने से गुजर नहीं पहुंच जाए छे महात्मा ने कब की ना गुजरने के कब की ने बाबा भगवान के चढ़े वाला कोनो वस्तु छे कल के हम बाबा एक दा तरबूजा लेना छे चारा नाम तो कल की ने कते मन लगवे कल के हमरा एक को आना रे दिन नफा दे दो दे तो हम दो दे की भारी लगे छे लेकरा तो चार आना में लेने रहती ना पांच आना पर बेटर के बाबा जी के चढ़ावा के दल में से उतर हुआ हुआ जुड़ के उठने में कर एक रहा बहुत मेहनत से लग गया भगवान का वो भला खम कर गया और जाई कहे तो चलो दाता राम सेठ के ठाम तो बाबा जी के जो नदी है राधे श्याम शेखा भी है दाता राम राधे श्याम के भक्त रहना है कैसे जो मानस में गोस्वामी जी लिखने चाहे जब बिनु विश्वास भगत नहीं अरे बिनु विश्वास भगत नहीं तेरे बिनु मोहन भाग अमोह गए पुन राम पदा कोई न विधान लाग जब तक मोह मान जब तक भगवान के कथा में रुचि लग में तो नीचे न लगाते मोटे मंदिर तो सरकारी खाल बढ़िया न लगते ना नीचे न लगते भगवान के कथा क्या कर दिन सब के तेरे विश्वास नंबर पर से भगवान के कथा पर महात्मा के विश्वास समान जब भगवान हमारा इधाम रुपया के बोझ लग के देते बोल राधे 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 आप देखो भगवान इनका सुन के लेना है जब स्नान पूजा करके भगवान के चाना में कौन पुजारी था और पुजारी के पता लग गया इतारे तो एक महीना दो महीना भोग लिए तो उनका पता लगा कि इनका सेठ जी उनका पता चला करने इन चार माह में तरबूजा देना रहा इनको जो भोग ले सेठ जी के दिन पास कर दिन हासिल कर चार नाम दे लिए मुझे हम पांच या नाम दे लिए अरे यार कल के दो पांच नाम ले लगा सेठ जी सोचे थे इतने भाग्यशाली के थे जो करोड़ों के संपत्ति पांच या नाम ले लेंगे बोलो राधे राधे अमूल संपत्ति थे जे संपत्ति के हम अमूल लेने लग गए थे कौन सा है संपत्ति के इस शरीर रूपी संपत्ति जो हम राज के भगवान के में है अरे ना वो महात्मा से कम नहीं थे प्रसंग के अरे मानुष जन्म दुर्लभ प्रयत्न होते न बारंबार हर बेर भगवान के
नजदीक से इस शरीर नहीं पापे बड़ी मुश्किल से इस शरीर पापना चाहिए दुर्लभ से इस शरीर पापना अजस्तर मरते पाप जाए बरूनी में लागे डार जना गाँव से पत्ता धर कर क्या पुनः वही गाँव मने जाते तैना इस शरीर जब गुम जात इस शरीर पार के भगवान के भजन नहीं कर गए इस शरीर पार के दान गुरु के शरण मने जब इस शरीर धन मिथ्या चल जात तब मुझे ने द्वारा के फिर इस शरीर ने भेटा है दाता राम कहते हैं क्या चीज़ महात्मा जब करोड़ों के संपत्ति पांचिया नाम लल्लकी ने उठा महात्मा के सम के तो चिट्ठी करके बदल थी ना महात्मा का लोग में पहुंचा के जेपन घूमता गया दूध गया तब जिंदा बदला लो उसको महात्मा के बदले के बाद तब उनका दूध जल रहा था बुद्ध जी की करके महात्मा करता है वैसे वैसे दाता राम तो हजार अपना सहायता को हम यहाँ से नहीं चलेंगे दाता राम के दूध के इशारा पर हम यहाँ से चल देंगे अपना भगवान को छोड़ करके भगवान पर कहते बल्कि न महात्मा बने हजारों बेर में भगवान उतने माने जाएं अरे अर्थात करके बड़ा जोर से हंसल थी ना बच्चा तो मैं भगवान के बच्चा कमजोर के बच्चा ब्राह्मण कहने डर से बड़ा इंसान की तरफ चल गया ना काम का जब हमरा लग में इनका डर हो चें माने तब तीन दिन देख मानो कि ना कल के अच्छा ठीक है से आज मैं प्लीज तीन दिन जब तक जे जे ठंडमान हो गए तो जान मैं प्लीज तस्मात त्रिनि पद्धा ने बद्री ने पद्धा बद्धा से आता एकता देते दस जीवन देते सामर्थ्य प्रयोजन मां शुक्र देव ने कहा था ये इत इत्युक्त सा हस्नाम बांचत प्रतिगीनातम अवाम नाया मंदा तुंजग्राज जलंद भाजनम विष्णमेचमां प्रात्यान मुष्णाम हसुरे सुरुम अजानत्य कृतिशितम विष्णो सीतम राज दावन्मान और नब जगदानम प्रसंगे न बिल्ते विवरण बते अदानम निरस्त पर कर्मलोक के वृत्ति होता धर्माया यस्तसे यताया कामाया स्वजना करके रहे आज धर्म के लोग ऐसे आज जैसे आज भगवान का चांद आज इस दान के लोग दान के बाद में जस हुए थे ना जस के बाद में उनका जैसे से त्रिलोक में प्रकृति फल चें सारा चीज फल चें फूला चें शे महात्मा बलि के करा चें भगवान जहाँ के बढ़िया नहीं खात बढ़िया हाथ जे कलो तुम्हें हमारा पूरा करो मुझे हाथ में संकल्प लिया और तीर पुष्ट ले जान जहाँ हाथ में तीर पुष्ट लड़की ने की शुक्राचार दायर कर दा तुरंत मगर जान कर के महात्मा बलि ठहर दा अरे ये साधारण आदमी नहीं है इस तीन देग में तुम्हारा सब कुछ नाप लेगा मुदा तो ये महात्मा बलि के कत्ते घबरात में बोले कहती हूँ जो हम जमान से कर देना चाहें तभी जबते ना पे तब तो हम इनका बदलवान पदिम लगे जाओ बलि ने बताया अरे सत्यम बाद में ताम प्रोतम धर्म वयम ग्रीनी गिनम आर्थम क्यों ने जब वे मिट्टी होने बाद जैसे कहितम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो राधे राधे आप भगवान के समक्ष हाथ में तिल दस और संकल्प ले सकें महात्मा बलि और संकल्प बुला करके देखी ने जे आम जे थी अपना प्यार स्वाम तीन देव पृथ्वी नाथ करके अपन हमरा से जो मांगली इससे हमरा सुक्षम कर दिया छुटकारा कर दिया भगवान के हाथ से तीन जो के संकल्प करके महात्मा बलि बामन के वेद छथिन तभी मैं शुक्राचार्य कलकी ने जहाँ हमर बात नहीं मानो श्राप दे दे जन्मदस गुरु के श्राप स्वीकार कर लड़की ने मुदा दान दे से में ही चुप रहे हम जखने तीन देव पृथ्वी भगवान माने छाए
ओठाम बहुत बड़का घटना भेट गेलै ने जब तीने जगन्नाथ के परिजन के दिन संकट कर देलखिन विराट रूप भगवान धारण कर महात्मा बलि जेना के ताके छन देखो छू डांड से ऊपर किछ न देखे छन और एना के ऊपर माते ताक रहल छन महात्मा बलि और जब तक सारा जग के सामने गिर कर यथा अवस्था में रह गेलन भगवान जन विराट रूप धारण करकिन तो एक डेग में पृथ्वी संपूर्ण के नाप लेलखिन दोसर डेग में आकाश के नाप लेलखिन सब चीज दुए डेग में नाप लेलखिन पता लो आप तेसर डेग का छे हे महात्मा बलि आप दान कर चुकल छे आप तेसर डेग हम कत रखबे दुए डेग में हमें संपूर्ण छे हम नाप लेला तो कह के सरकार आपका हमरा किछ न छे तेसर डेग में हमारी मस्तक नाप लिया अपना नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि दुनिया सबसे नारी नारी होते नारायण नारायण हरि हरि हनुमान नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नारायण नारायण हरि 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 ओम नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन बजा के भगवान के नाम की कथा कीर्तन कला से और पुण्य है एना भागवत के कथा उठेल पंडित जी के ताली बजा बजा के भगवान के कथा में ताली से जोर कर मानस में लिखने छे जे राम नाम सुंदर करतारी और संशय बिहानो आगम हारी राम नाम सुंदर करतारी हाथ से राम नाम को उच्चारण देव ताली जे कहे छे और संशय बिहान उड़ागम हारी हारी जब हाथ जोर से ताली बजावा शरीर रूपी वृक्ष पर जे चिड़िया बैठल अपनो सब ताली बजा बजा के भगवान के कीर्तन करबे भगवान नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि हो भगवान सबसे आगे चली हो तेरी लीला सबसे आगे चली श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नारायण नारायण हरि 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 ओम
hari hari krishna narayan narayan hari hari krishna narayan narayan hari hari harman narayan narayan hari hari harman narayan narayan hari hari jap narayan narayan hari hari jap narayan narayan hari hari satyam narayan narayan hari hari satyam narayan narayan hari hari jivam narayan narayan hari hari jivam narayan narayan hari hari jap narayan narayan hari hari jap narayan narayan hari hari narayan narayan hari hari shriman narayan narayan hari hari radha narayan narayan hari hari ho radha radha hari hari radha narayan narayan hari hari radhe narayan narayan hari hari krishna narayan narayan hari hari narad 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 narayan narayan hari hari अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय वीर बजरंग बली की जय 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 श्याम लाल की जय अरे आरती ढोलक लगते गए कबेगल तने गम कलप फल शोक मुख देगा तने गम कलप शोक मुख कबेगल तने गम कलप फल शोक मुख देगा तने गम कलप उतार परमानंद सुधा रस मय कल परमानंद सुधा रस मय कर रस रस निधान के लीला आशीरत रस निधान आरती भागवत पुराण के परिवार कल मल मदन त्रिताप निवार कल मल मदन त्रिताप निवार चरितान से भागवत पुराण के परम ज्योति परमात्म ज्ञान के ज्योति परमात्म ज्ञान के आरती श्री पावन पुराण के आरती श्री पावन पुराण के परम हंस मन मन उलासनि परम हंस मन मन उलासनि रस गयुर प्रेम सुभाषिनी प्रेम सुभाष अति
और तुसे पावन पुराण की और तुसे पावन पुराण की आरती श्री पावन पुराण की आरती श्री पावन पुराण की तारगढ़ में कैसे धन्यवाद के धन्यवाद।